अनूप भंडारी वो डायरेक्टर है जो सस्पेंस थ्रिलर फिल्में बनाने में एक्सपर्ट है। इन्होंने किच्चा सुदीप को लीड में लेकर विक्रांत रोना जैसी फिल्म बनाई, जिसमें कमाल का सस्पेंस, एक्शन और वीएफएक्स है, जिसे बिग बजट पर बनाया गया है। इस फिल्म का क्लाइमैक्स आपको चक्कर में डाल सकता है। वैसे मैं आपको विक्रांत रोना के बारे में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर ने ही यानी अनूप भंडारी ने ही अपने करियर का डेब्यू रंगीता रंगा जैसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से किया था, जिसको आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से शायद बहुत से लोग विक्रांत रोना फिल्म का रिव्यू देखकर आए होंगे, जिसमें आपको रंगीता रंगा फिल्म के बारे में सुनने को मिला होगा। वैसे चलो फालतू की बातें छोड़कर रंगीता रंगा को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं कि फिल्म आखिर कैसी है और आपको इसे देखना भी चाहिए या फिर नहीं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्की एंड वेलकम टू माय चैनल। कहानी की शुरुआत करने से पहले ही हमें एक हादसा दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, जिसे देखकर ज्यादा कुछ समझ में तो नहीं आता, बस इतना पता चलता है कि कहानी मर्डर मिस्ट्री की होने वाली है और हमें उस शैतान या फिर हैवान का चेहरा दिखाया जाता है जो कि ना दिखने में सीधा इंसान होता है और ना ही कोई भूत। इससे इस कहानी के लिए हमारे मन में सस्पेंस क्रिएट कर दिया जाता है। रंगीता रंगा फिल्म की कहानी चार कैरेक्टर के बीच घूमती नजर आती है। गौतम, उसकी प्रेग्नेंट पत्नी इंदु, एक जर्नलिस्ट संध्या और एक गुमनाम और रहस्यमय राइटर अनुशोकु। शुरुआत के एक सीन में हमें ये पता चलता है कि संध्या उस रहस्यमय राइटर को ढूंढ रही होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके पास्ट का एक अहम हिस्सा अनुशोकु से जुड़ा हुआ है। दूसरे एंगल में गौतम और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी दोनों बड़े प्यार से रह रहे होते हैं। गौतम एक राइटर होता है और उसकी पत्नी उसे उसके लिख के बुक्स के फ्रंट पेज को डिजाइन और पेंट करने में मदद करती है। इनकी जिंदगी बाहर से तो नॉर्मल लगती है लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। दरअसल इंदु को अक्सर कुछ बुरे सपने आते रहते हैं लेकिन मुसीबत तो तब स्टार्ट होती है जब इंदु को ऐसा लगने लगता है कि इन सपनों से उसके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। शुरुआत में कहानी थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है और कई लोगों को इसे 2 घंटे की फिल्म का पहला 1 घंटा बिल्कुल समझ नहीं आएगा, लेकिन जो छोटी छोटी बातों को पकड़कर चलेंगे उन्हें ये समझ आएगी। तो मुसीबत की शुरुआत तब होती है जब इंदु अपने पति गौतम से उसके गाँव कमरोट्टू चलने के लिए कहती है। यहाँ से कहानी देखने में सबको मजा आएगा क्योंकि इंदु का कहना होता है कि उसके गांव कमरोट्टू में एक भूत देवता का मंदिर है जहां जाकर पूजा करने से उसके पूर्वजों ने जो गलती की है जिसकी वजह से उस पर ये मुसीबत है वो टल जाएगी। अब गौतम भी मान जाता है और दोनों गांव में पहुंच जाते हैं। गांव के रास्ते से ही उनके साथ अजीब से हादसे शुरू हो जाते हैं जिनमें इंसान का कम और शैतान का हाल ज्यादा लगता है। यही नहीं बल्कि कई बार उनपे जानलेवा हमले भी होते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब एक रात इंदु अचानक गायब हो जाती है और गौतम पुलिस के पास रिपोर्ट लेकर पहुंचता है। जब पुलिस केस की जांच करती है तो पता चलता है कि इंदु तो 6 साल पहले एक एक्सीडेंट में मारी जाती है और वो भी कमरटू गांव में ही। अब यहां से गौतम पूरी तरह से पागल हो जाता है। उसके मन में सवालों का बवंडर आ जाता है कि अगर पुलिस सच कह रही है तो वो कौन थी जो मेरे साथ इंदु बनकर रह रही थी, कोई आत्मा या फिर कहानी कुछ और ही है। इतने सारे सवालों में ही कहानी का दूसरा एंगल सामने आता है, जर्नलिस्ट संध्या। दरअसल वो उस राइटर अंशोकु को ढूंढते हुए कमरोट्टू पहुंच जाती है और संध्या को भी इस गांव में आकर अपने अतीत से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें पता चलती है जो उसे वहां रुकने पर मजबूर कर देती है। अब सिचुएशन ये है कि गौतम की पत्नी इंदु गायब है और पुलिस गौतम का साथ देने के बजाय उसके खिलाफ है क्योंकि पुलिस का कहना है कि इंदु तो 6 साल पहले ही मर चुकी है। हर बार उस अजीब गांव से प्रेग्नेंट औरतें और कई लोग गायब होते हैं और गौतम अपनी पत्नी को ढूंढने के साथ एक अलग ही सदमे में है कि आखिर उसके साथ जब इंदु थी तो वो 6 साल पहले कैसे मर सकती है। इतने सारे अजीब और पेचीदा सवालों के साथ आपका दिमाग चक्कर में आ जाएगा लेकिन फिर भी क्लाइमैक्स आने तक कहानी का असली विलन कौन है पता नहीं चलता। जब गौतम गांव वालों से पूछताछ करता है तो उसे एक भूत की कहानी पता चलती है लेकिन गौतम को मारने की कोशिश करने वाला तो इंसान होता है, तो फिर असलियत में ये सब कौन कर रहा है, इंसान या फिर शैतान? तुम चाहे अपने दिमाग के कितने भी घोड़े दौड़ा लो, असली विलन कौन है इसका पता तब तक नहीं चलेगा जब तक फिल्म खुद रिवील ना कर दे। अब आओ इस फिल्म की कुछ खामियां और खासियतों के बारे में जानते हैं, उसके बाद तुम खुद डिसाइड करना रंगीता रंगा तुम्हें देखनी है कि नहीं और इसे फ्री में आप कैसे देखोगे ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं खूबियों की। तो रंगीता रंगा फिल्म आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने देगी। इसमें टाइम को बहुत ज्यादा बचाया गया है और सिर्फ वही चीजें दिखाई गई है जिनका कहानी से मेल होता हो। इसमें जबरदस्त सस्पेंस
है। और अगर आपको सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी फिल्में पसंद है तो ये फिल्म आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। रंगी तारंगा में जबरदस्त और अनएक्सपेक्टेड क्लाइमैक्स है जो आपको उलझा देगा। फिल्म के लास्ट के एक घंटे में आप फिल्म को छोड़ ही नहीं पाओगे और ये फिल्म आपको जोड़े रखेगी। अब बात करते हैं कमियों की, जो कुछ खास नहीं है। सबसे पहले तो फिल्म के शुरुआत के कुछ सीन्स बोरिंग लगते हैं, ऐसा लगता है फिल्म किसी काम की नहीं। दूसरी बात, इसमें बेवजह और जबरदस्ती कॉमेडी घुसेड़ने की कोशिश की है जबकि इसमें उसकी जरूरत नहीं थी। और लास्ट में है फिल्म के सीन्स। फिल्म में कई ऐसे सीन्स हैं जिनका कोई लॉजिक ही नहीं बनता, जैसे कि इंदु को डरावने सपने आना। जब आप पूरी फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंदु के सपनों का कोई लॉजिक नहीं बनता है। लेकिन 2015 के हिसाब से ये फिल्म एक मास्टरपीस है और मैं फिर से कह रहा हूँ, इसका सस्पेंस फिल्म को पूरा देखने के लिए आपको मजबूर कर देगा। वैसे आप इस फिल्म को फ्री में यूट्यूब पर देख सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ, हम बहुत ही जल्दी विक्रांत रोना पर भी एक्सप्लेन वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो चैनल पर अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप रंगी तारंगा को देखो।